जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और क्रिकेट न्यूज़ में आपको खुश आमदीद। एशिया कप फाइनल के बाद कुछ दिन के बाद क्रिकेट जो है इंटरनेशनल दोबारा स्टार्ट हो गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और इंग्लैंड और आयरलैंड की टीमें आपस में खेल रही हैं। तो आज जो वीडियो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पहले वनडे के मुतल्लिक है कि पहला वनडे इंडिया ने बआसानी जो है जीत लिया है। तो इंडिया ने टॉस जीतकर पहले मोहाली में जो है पंजाब में इनका स्टेडियम है वहाँ पे पहले जो है बॉलिंग का फैसला किया। हालांकि स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, टोटल इससे पहले 7 वनडे हो चुके हैं जिसमें 6 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हुए थे और 1 इंडिया ने जीता हुआ था, लेकिन ये इंडिया अब जीत गया, अब 6-2 हो गया। तो मैं आपको बताता चलूँ, स्कोर कार्ड की जानिब चलते हैं। मिचेल मार्श जो है नाजरीन पहले ही ओवर या दूसरे ओवर में आउट हो गए मोहम्मद शमी की बॉल पर। उसके बाद डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ की अच्छी पार्टनरशिप लगी, वो डेविड वार्नर ने 52 स्कोर बनाए हैं 53 बॉलों पे और स्टीव स्मिथ 41 स्कोर, इन्हें शामी ने बोल्ड किया। डेविड वार्नर, रविंदर जडेजा ने आउट किया। मार्नस लबुशेन जो है 39 स्कोर बनाकर आउट हुए अश्विन की बॉल पे। कैम ग्रीन जो हैं ऑलराउंडर हैं ये रन आउट हो गए 31 स्कोर बना के। जॉश इंग्लिस, इनके जो विकेट कीपर हैं, 45 स्कोर बनाए हैं इन्होंने। जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। मार्कस टॉइनस जो है 29 स्कोर बनाए, मोहम्मद शामी ने बोल्ड किया। मैथ्यू शॉर्ट को भी शामी ने आउट किया। पैट कमिंस 9 बॉलों पर 21 एंड में आके थोड़ा सा स्कोर बनाया उन्होंने। शॉन एबर्ट और जैम्पा भी 2-2 स्कोर ही बना पाए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 276 रन बनाए हैं और ऑल आउट हो गए आखिरी बॉल पर 50 ओवर में। बॉलिंग परफॉर्मेंस बताते चलें तो जो इनके मोहम्मद शामी हैं उन्होंने 5 विकेट्स हासिल किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और मैन ऑफ द मैच भी यही है। जसप्रीत बुमराह ने 1, अश्विन ने 1 और जडेजा ने भी 1 विकेट लिया, 2 इसमें रन आउट हुए। तो चलते हैं इंडिया की बैटिंग की जानिब, क्या ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है जी ऋतुराज गायकवाड और शुभमन गिल ने। दोनों ने रिस्पेक्टिवली 71 और 74 रन बनाए हैं, तो 117 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं जी। शुभमन गिल बहुत तेज़ खेले हैं और ऋतुराज गायकवाड भी 90 प्लस के स्ट्राइक रेट से, इन्होंने तकरीबन 150 प्लस का जो है 142 का स्टार्ट दिया था। 142 में गायकवाड आउट हुए। उसके बाद जैम्पा ने LBW किया गायकवाड को, उसके बाद शुभमन गिल भी आउट हो गए 148 में, जैम्पा ने ही बोल्ड किया। श्रेयस अय्यर जो हैं वो रन आउट हो गए। फिर KL राहुल और ईशान किशन की थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, लेकिन ईशान किशन जो है आउट हो गए। उसके बाद सूर्या कुमार यादव जो है अपने कैरियर की पहली 50 बनाने में कामयाब हुए हैं। KL राहुल और सूर्या कुमार यादव की बड़ी कमाल की पार्टनरशिप लगी है। चौथे विकेट पे 185 रन पे जब ईशान किशन आउट हुए हैं तो 265 पे जाके पांचवा खिलाड़ी आउट हुआ है, तकरीबन 80 रन की पार्टनरशिप लगी है। और फिर सूर्या कुमार यादव आउट हुए, रविंद्र जडेजा 3 स्कोर। तो यूं 5 विकेटों से जो है इंडिया ने बआसानी ये वनडे जीत लिया और अपनी अथॉरिटी जो है जमा दी है वर्ल्ड कप आने से पहले। हालांकि की प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली ये रेस्ट में हैं, पहले 2 वनडे मेरे ख्याल नहीं खेलेंगे, शायद तीसरा वनडे खेलें, मुझे लगता है तीसरा भी शायद ना ही खेलें क्योंकि उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और ऐसे ये 5 विकेटों से इंडिया ने जीत लिया है। मोहम्मद शमी मैन ऑफ द मैच हैं। दूसरा वनडे जो है इनका आई थिंक परसों है, सॉरी कल है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके बाद आज न्यूजीलैंड बांग्लादेश का दूसरा मैच है, उसमें पहला वनडे जो है बारिश की नज़र हो गया था। इंग्लैंड आयरलैंड का भी दूसरा वनडे है, वो भी बारिश की नज़र पहला हो गया था। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके बारे में अपडेट देंगे। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।